गाइस, क्या आपको लगता है कि डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड इन द जिम एंड बाय फॉलोइंग ए प्रॉपर न्यूट्रिशन आल्सो यू आर नॉट सीइंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स? क्या आपकी बॉडी भी आपके वर्कआउट या न्यूट्रिशन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुकी है और प्लेटो को हिट कर दी है? गाइस, अगर आपका आंसर है यस, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो गेट इन दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा जो आपको हेल्प कर सकती है आपके प्लेटोस को ब्रेक करने में, आपकी बॉडी को ज्यादा वर्कआउट या न्यूट्रिशन के सेंसिटिव बनाने में, और आपको हेल्प कर सकता है आपके गोल्स इजीली अचीव करने में। सो हाय गाइस, दिस इज संजीव कालीवाला, आई एम द फाउंडर ऑफ द नेचुरल लाइफस्टाइल हब। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स डू द वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग टेक्निक के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए गाइस, पर सोचा है थोड़ा डिटेलली और एक आपको एक वीडियो बना दो जिससे कि आपको थोड़ी मदद मिल सके आपके गोल्स को अचीव। सो गाइस, फर्स्ट इज फर्स्ट, एक्चुअल व्हाट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग? सो गाइस, पहले ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है गाइस कि आपकी बॉडी जो होती है ये एक स्मार्ट मशीन होती है गाइस। सो उसको आप कौन सी भी चीज कंटिन्यूअसली देते रहो, इट विल बी अडॉप्टिंग दैट थिंग। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सडनली कौन से तो भी एक ठंडी जगह पे जाते हो अपने हॉलीडे मनाने में जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, उस टाइम पे क्या होता है गाइस, फर्स्ट 1-2 डेज यू विल बी फीलिंग लाइक ज़्यादा ठंडी लगना, ऐसा कुछ महसूस करने लगते हो, और उसके बाद स्लोली स्लोली योर बॉडी विल बी अडॉप्टिंग टू द एटमोसफियर एंड इट विल चेंज इट्स थर्मोजेनिक इफेक्ट, और स्लोली स्लोली उस माहौल को अडॉप्ट करने लगती है और आपको कंफर्टेबल फील होने लगता है। इन द सेम प्रोसेस, अगर आप कौन से तो वेट से या कौन सा तो ट्रेनिंग एक लॉन्ग टाइम के लिए करते हो, तो आपकी बॉडी विल अंडरगोस इनटू अडॉप्टिव सिंड्रोम, जहां पे उस ट्रेनिंग को या उस वेट को अडॉप्ट कर लेती है और इट विल हिट द प्लेटू, जहां पे आपको नो गेन नो लॉस का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस प्लेटू से बाहर आने के लिए और आपकी बॉडी को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग इन योर ट्रेनिंग। और ये कैसे कर सकते हो गाइस, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तो आप कर सकते हो भाई इंक्रीजिंग द लोड वेट्स, सेकेंड आप कर सकते हो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी यानी रिपीटेशंस, थर्ड आप कर सकते हो बाई इंक्रीजिंग द सेट, फोर्थ कर सकते हो सेट के सेट का जो बीच में रेस्टिंग टाइम है वो कम करके, फिफ्थ मेथड आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स एट द सेम टाइम करके, जैसे सर्क्यूट ट्रेनिंग होता है, सुपर सेट्स होते हैं, वैसे कुछ करके वगैरह वगैरह, से बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं गाइस जो मैं आपको बताते रहूंगा इन फ्यूचर वीडियोस। तो इसकी आगे की जानकारी देने के लिए मुझे चेंज करना पड़ा अपना सेटअप और गेटअप गाइस, सो लेट्स डाइव डीपर। लेट मी शेयर माई स्क्रीन और बताऊंगा आपको कैसे आप इस इफेक्टिव टेक्निक को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने वर्कआउट में। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है ये क्या चीज है और कैसे आप कर सकते हो। तो लेट मी डाइव डायरेक्टली द मेथड्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कुछ मैंने बता दिया डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के, वेट बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, रेपिटेशन बढ़ाना, सेट्स बढ़ाना वगैरह वगैरह। बट आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग ए क्वेश्चन लाइक हाउ मच वेट हैज टू बी इंक्रीज, आखिर कितना वेट बढ़ाना चाहिए जब अपन प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो वेट बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है गाइस कि आप एक 10 केजी से वर्कआउट कर रहे हो और डायरेक्ट जाके उसको डबल कर दे यानी 20 केजी या तो 30 केजी फॉर एग्जाम्पल, और खुद को इंजुरी कर दे और इस जर्नी से बाहर हो जाए। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट गाइस। जब आप एक वेट प्रोग्रेशन करते हो, ऑलवेज ट्राई टू ग्रेजुअली प्रोग्रेस द वेट, ना कि सडनली हैवी वेट पे चले जाए। तो ग्रेजुअल वेट से आपकी बॉडी, योर बॉडी विल बी एबल टू अडॉप्ट द न्यू वेट्स एंड यू विल बी डूइंग एग्जीक्यूटिंग द वर्कआउट इन ए प्रॉपर फॉर्म विदाउट इंजूरिंग योर सेल्फ एंड मेकिंग दिस जर्नी मोर सेफ एंड इफेक्टिव। तो वेट प्रोग्रेस करने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो आप करंट वेट से वर्कआउट कर रहे हो, क्या आप वो वर्कआउट सही फॉर्म में कर रहे हो, क्या उस वर्कआउट में आपके मसल पूरे इन्वॉल्व हो रहे हैं या आपका फॉर्म बिगड़ रहा है जिससे कि आपके इंजुरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर कुछ ऐसा है तो इमीडिएटली आपका जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्लान डिले कर दीजिए गाइस और उस सेम वेट से आपका फॉर्म इंप्रूव करने पे ध्यान दीजिए। तो कितना वेट आप प्रोग्रेस कर सकते हो, इसका एक स्टैंडर्ड रूल है गाइस। अगर आप अपर बॉडी वर्कआउट्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो 2.5 to 5 lbs यानी 1 kg to 2.5 kg ऑफ एक्स्ट्रा वेट। वही अगर आप लोअर वेट, लोअर बॉडी का प्रोग्रेशन करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर 5 to 10 lbs यानी 2.5 kg to 5 kg ऑफ एक्स्ट्रा वेट। और थर्ड टेक्निक यू कैन यूज गाइस 2-4-2 रूल।
तो एज पर दिस रूल आपको ये देखना है कि आपके जो लास्ट टू वर्कआउट्स में क्या आप एक्स्ट्रा टू रिपीटेशंस कर पा रहे हो या नहीं। सपोज आप एक बेंच प्रेस कर रहे हो और यू टारगेटेड फॉर 4 सेट्स, तो अगर आप पहले 2 सेट में 8 रिपीटेशंस कर चुके हो, ट्राई करिए लास्ट के 2 सेट्स में आर यू एबल टू डू 10 रिपीटेशंस, 2 एक्स्ट्रा रिपीटेशन। इफ यू आर एबल टू डू दैट मींस इट इज द टाइम टू प्रोग्रेस द लोड। और कितना बढ़ाना है मैंने आपको जानकारी दे दी है ऑलरेडी, उस हिसाब से यू कैन प्रोग्रेस द लोड। एंड ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी गाइस। सो आपका फोकस क्वांटिटी पे से हटा के क्वालिटी पे बढ़ाइए। क्वालिटी मींस लाइक हाउ इफेक्टिवली यू आर एग्जीक्यूटिंग द वर्कआउट, हाउ सेफली यू आर डूइंग दैट वर्क। ये था हाउ टू इंक्रीज योर वेट, हाउ टू प्रोग्रेस योर वेट इन द प्रोग्रेसिव ओवरलोड टेक्निक। अब सेकंड बात करते हैं आपके रिपीटेशंस, हाउ यू कैन इंक्रीज द रिपीटेशंस। तो रिपीटेशन प्रोग्रेस करने से पहले आपको एक रेफरेंस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा गाइस, मतलब आप कितने रिपीटेशंस कंफर्टेबली कर पा रहे हो। तो स्टैंडर्ड रिपीटेशंस एज पर स्टडीज इज 8 to 12। आप अगर आप इस 8 to 12 रेफरेंस में कंफर्टेबली वर्कआउट कर पा रहे हो तो ये सजेस्ट करता है आपको रिपीटेशंस प्रोग्रेस करने में। और सेम लाइक वेट्स, योर रिपीटेशंस हैज टू बी ग्रेजुअली इंक्रीज, ना कि सडनली आप 12 कंफर्टेबली कर रहे हो डायरेक्ट जाके 20-30 करने लगो। इट मे लीड टू इंजुरीज विच मे लीड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम योर फिटनेस जर्नी गाइस। सो अपने आप को सेफ रखने के लिए ऑलवेज फोकस ऑन द ग्रेजुअल इंक्रीमेंट और एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, जो आपकी बॉडी अडॉप्ट करती रहे नए नए टेक्निक्स और आपको रिजल्ट्स मिलते रहे। और बाकी के टेक्निक्स मैंने जैसे आपको बता दिया है, इंक्रीजिंग सेट्स, अगर आप 3 सेट्स कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर 4 सेट्स और 5 सेट्स। एंड डिक्रीजिंग द रेस्टिंग टाइम, आपके सेट टू सेट के बीच में रेस्टिंग टाइम कम करना भी प्रोग्रेशन होता है। और इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, वीक में ज़्यादा बार मसल को ट्रेन करना भी प्रोग्रेशन होता है। एकदम एक ही टाइम पे ज़्यादा मसल ग्रुप से ट्रेन करना भी प्रोग्रेशन होता है गाइस। एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट वर्कआउट स्प्रेड, जैसे सर्क्यूट ट्रेनिंग या तो मल्टीपल वर्कआउट्स एक जॉइंट सेट्स करना, दिस ऑल कम्स अंडर द प्रोग्रेसिव ओवरलोड टेक्निक गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड टेक्निक। सो नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट फ्यू डूस एंड डोंट्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बिकॉज ये जितना ईजी दिखता है गाइस इसमें आपके इंजुरी होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है। कुछ लोग ईगो ट्रेनिंग को प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझ के करने लगते हैं, क्योंकि गाइस ज्यादातर लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होता है हाउ टू यूटिलाइज दिस प्रोग्रेसिव ओवरलोड टेक्निक, एंड दे विल गो फॉर लोड विच विल बी हायर देन देयर कैपेसिटीज एंड विच मे लीड टू इंजुरीज एंड ड्रॉप आउट फ्रॉम दिस फिटनेस जर्नी। देखते हैं गाइस व्हाट आर द डूस एंड डोंट्स, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। Let me share. So first बात करते हैं do's, what you have to do. So always, as I said, you start slow guys. Keep a log, monitor करते रहे आपका progression, जिससे कि आपको help मिलते रहे कि आपकी body कैसा respond कर रही है उस load overload को, जो आपको help करेगा आपके future plans के लिए. And always listen to your body and don't confuse between a injury and a muscle soreness. Always try to experiment with different workout splits, workout routines to keep you motivated in this journey. And always, as I said, you focus on form, quality versus quantity. So let's see if you don't solve this technique. सबसे पहले rush में नहीं करिए, मत करिए, quite opposite to your do's. So always try to start slowly. एंड सेकेंड, डोंट इग्नोर द पेन। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, आपके इंजुरी और सोरनेस के बीच का फर्क जानिए और डोंट इग्नोर द बॉडी सिग्नल एंड डोंट ओवर ट्रेन योर सेल्फ। ओवर ट्रेनिंग करना भी आपके लिए हानिकारक होता है गाइस। कुछ लोग सोचते हैं आवर्स एंड आवर्स जिम में बिताना है और 3-4 घंटे वर्कआउट करने से ही रिजल्ट मिलता है, बट गाइस इज नॉट ट्रू। वर्कआउट इज ऑल्सो ए स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। सो आप जितना कम स्ट्रेस डालोगे उतना बॉडी अच्छा से रिएक्ट करेगा और आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देगा। और डोंट नेग्लेक्ट द न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हो और उसके हिसाब का आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो इट विल आल्सो बी लाइक वेस्ट ऑफ टाइम एंड ये आपको नुकसान ज़्यादा और फायदा कम पहुँचाएगा। एंड ऑलवेज स्टार्ट यूअर वर्कआउट्स विथ प्रॉपर वार्म अप। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की जल्दी में वार्म अप को इग्नोर मत करिएगा। अगर आप वार्म अप को इग्नोर करने लगोगे तो आपके जो इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मजल सोरनेस या मजल में जो क्रैम्स आते हैं ये सब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड
इट विल बी अननेसेसरली एक्ट्स लाइक ए हर्डल इन योर फिटनेस जर्नी. So always try to give a proper warm-up before executing any kind of workout. So these were the few do's and don'ts of your progressive overload technique. So ab dekhte hain isko practically aap kaise implement karenge aapke training mein. So practical implementation required like a 3-4 steps guys. Sabse pehle to aap clear hona chahiye aapke goals se. So let me share my screen. First thing is first you need to set a clear goal. Agar aapke paas ek clear goal hai, aapko pata hai kidhar jana hai. तो जर्नी विल बिकम मोर इजी एंड इफेक्टिव गाइस. एंड ऑलवेज प्लान योर प्रोग्रेशन. मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में बताया आपको कितना प्रोग्रेशन करना है, कैसा प्रोग्रेशन करना है. आप एक प्लान बनाइए और उस प्लान को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करिए आपके रूटीन में. एंड थर्ड, ऑलवेज मॉनिटर योर परफॉर्मेंस बाय लिसनिंग योर बॉडीज रिस्पॉन्स. तो ऑलवेज चेक करिए आपका प्रोग्रेशन आपको किस दिशा में लेके जा रहा है, क्या आपको उससे कुछ मदद मिल रही है और यू आर जस्ट stressing out your body. Or third, the most important key is keeping yourself consistent. So despite of the progression, always focus to be consistent because as consistency is the key for your success. So doing a boring thing again will directly leads you to success. So always try to be consistent and keep going in this journey. So by following these few steps, you can practically implement this progressive overload technique in your routine and you can get your desired goals. If you are still confused, there is a link in my description. Ye description mein maine link diya hua hai guys. You can click on the link and you can book a one-on-one session with me for free to get more clarity on your progressive overload or any kind of your fitness queries. So guys, this was a short video on your progressive overloading technique and hope this video will help you out to implement this technique in your training and achieve your results as soon as possible. So guys, agar aapko ye video informative laga hai to please like kariye aur share kariye us person se jisko abhi bhi dikkat aa rahi hai apne results paane mein. And aapko bhi agar still confusion hai aur aapko is training ke bare mein, is technique ke bare mein khud ko zyada janna hai, to there is a link in my description. You can click on the link and you can book a one-on-one call with me and get more clarity on this technique and about your results. And guys, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for more informative videos like this in future. So guys, this is Sanjeev Kaliwala signing off. See you in the next video. Till that time, stay healthy, stay fit, and stay natural. Bye.